बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज हुई और इसकी शुरुआत के साथ ही एक गहन मंत्रणा का दौर भी शुरू हो गया क्योंकि बेहद अहम ये बैठक रही। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूपेंद्र यादव क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आज केंद्र में जो अपना स्थान और भूमिका पाया है उसका बहुत बड़ा कारण है कि पार्टी अपने प्रारंभिक काल से लेकर और अभी तक सामान्य व्यक्ति के साथ हमेशा जुड़ी हुई रहती है। भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार आधारित पार्टी नहीं है और इसलिए पार्टी जिन वैल्यूज को लेकर चली है उसमें सेवा, संकल्प और समर्पण से जुड़कर, कोई एक परिवार के साथ जुड़कर के नहीं बल्कि पार्टी की ये जो परंपराएं हैं इन परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए और पार्टी के कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और परिश्रम के कारण हम आगे बढ़े हैं। और इसलिए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को आने वाले समय में इस विश्वास को लेकर के, इस अपनत्व को लेकर के चलना होगा और 19 महीने के इस कार्यकाल में जो कोविड वाला एक समय गुजरा है उसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में केवल राजनीति नहीं बल्कि सेवा परमो धर्म, पार्टी ने सेवा को अपने काम का आधार बनाया और ये देश के राजनीतिक विषय में एक भारतीय जनता पार्टी का योगदान है जिसमें सत्ताधारी पार्टी ने सारी सुविधा होने के बाद भी सेवा के माध्यम से एक महामारी के दौर में लोगों को जोड़ करके रखा जा सकता है, उसको आगे बढ़ाने का काम किया और इसलिए उन्होंने इस विषय को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि लगातार सामान्य व्यक्ति के मन से जुड़ करके जो पार्टी एक राजनीतिक विचार को आदर्श के रूप में लेके चली है आज उसका एक व्यापक परिणाम भी देखने में आता है और वो व्यापक परिणाम इस रूप में है कि दुनिया के लोगों ने अनेक क्षेत्रों में, चाहे कोविड में 100 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो, चाहे भारतीय अर्थव्यवस्था के सुधार की दिशा हो और चाहे जलवायु परिवर्तन पे भारत के द्वारा विश्व में स्थापित किए गए मानक हो, उसको स्वीकार किया है और ये पार्टी ने अपने इस पूरे मूवमेंट से भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत किया है। पांचों राज्यों के अध्यक्ष के द्वारा और मुख्यमंत्रियों, चार राज्यों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा जो आगामी चुनाव को लेकर के अपना विषय रखा गया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के इन प्रदेशों के नेताओं ने जिस भरोसे और विश्वास के साथ अपनी सरकार की उपलब्धि और संगठनात्मक कार्यों को रखा है वो इस बात को दर्शाता है कि हम सभी जनता के साथ जुड़े हुए विषयों को लेकर के मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने आने वाले समय में पार्टी के कार्यकर्ताओं को उमंग उत्साह के साथ कार्य में जुटते हुए पार्टी की कार्यपद्धति को आगे बढ़ाने का आह्वान किया और आज इस समय में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देश के COP26 को लेकर के, अर्थव्यवस्था में जो सुधार आए हैं उनको लेकर के और कोविड महामारी में जो भारत ने एक मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी है उन तीनों विषयों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को साहित्य के रूप में एक पुस्तक का वितरण भी किया गया और उसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी एक लंबी परंपरा से जुड़ी हुई पार्टी है जिसमें तीन पीढ़ियों से 1950 से लोगों ने जो निस्वार्थ काम किया, ऐसे निस्वार्थ कार्यकर्ताओं के लिए एक नमो ऐप पे कमल पुष्प करके एक कार्यक्रम को लॉन्च किया है कि ऐसे जो अनाम कार्यकर्ताओं जिन्होंने आदर्श उदाहरण बनकर या नींव बनकर पार्टी के लिए काम किया है उनके जीवन परिचय वृत्तांत को नमो ऐप पे लाया जाए ताकि जिस बुनियाद पे खड़ी होकर के भारतीय जनता पार्टी ने देश के लोकतंत्र में एक मुकाम हासिल किया उन सब लोगों को स्मरण किया जाए और पार्टी अपनी पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नए मूल्यों के साथ आगे बढ़ते हुए नए राजनीतिक विचारों और संकल्पों में के साथ कार्य करेगी, अपनत्व के साथ जनता के बीच में कार्य करेगी। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा संदेश था। कुछ बोले
सभी पांचों मैंने कहा राज्यों की तरफ से रिपोर्टिंग हुई, चार राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्षों ने उनके कार्य सरकारों के द्वारा किए गए कार्य और उनके द्वारा चलाए गए पार्टी के अभियान की जानकारी दी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बहुत भरोसे और विश्वास के साथ जो रिपोर्टिंग करिए भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलता रहेगा। प्लीज मैथ्यू, आज ये जो कार्यकारिणी पूरी पैंडेमिक के बाद में हुई थी तो मैंने कहा पांचों राज्यों की जो रिपोर्टिंग है उस पर प्रधानमंत्री जी ने कहा बहुत भरोसे के साथ विषय रखा गया और पार्टी की रीति नीति और पार्टी का एक लंबे समय तक जुड़ाव केंद्रीय स्तर पर पार्टी जिस स्थिति में आई है उससे आगे बढ़ने के जो लक्ष्य हैं वो उन्होंने जो कहे मैंने आपके सामने विस्तार से रखे। महुआ जी, अभी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा किया गया कि पार्टी सभी जगहों पर लड़ रही है। आप पूछिए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा ये विषय कहा गया, अभी तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा जो विषय उतना ही है। जतिन जी, ये सबसे बड़ा काम है कि जो एक लोकतांत्रिक पार्टी एक परंपरा से निकल के आई है वो अपने परंपरा मूल्यों को बनाते हुए सामान्य जन के विश्वास का सेतु बने, ब्रिज ऑफ फेथ बने, ये सबसे बड़ा संदेश है। शैलेंद्र जी, जैसे सेवा ही संगठन पार्टी ने एक नया विषय दिया है, एक राजनीतिक आयाम में सेवा को जोड़ा है, तो विचार हमारे वही है लेकिन कार्य पद्धति में जो नए आयाम होते हैं उन नए आयामों को जोड़ा जाए। राकेश जी, अध्यक्ष स्टेटमेंट में अध्यक्ष जी ने पूरा विश्वास ये बताया है कि विपक्ष के द्वारा एक छोटे स्तर की राजनीति की गई और ऐसे जब महामारी के दौर में जब सबको साथ आना था अध्यक्ष जी ने पर्याप्त रूप से उस पर कहा है और अध्यक्ष जी का वक्तव्य है। पूरी पार्टी के लिए प्रधानमंत्री जी जब संबोधित करते हैं तो पार्टी के एक लंबे विजन लक्ष्य और कार्यों के लिए वो करते हैं, सभी कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन के लिए और पांचों राज्यों में जो रिपोर्टिंग की गई है उस पर उन्होंने बहुत भरोसा जताया है। विनीत, पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रमों में ये विषय है और निश्चित रूप से जो राज्य हमेशा पेट्रोल डीजल की कीमतों को बताते हैं, आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा राहत दी गई है तो जो लोग नहीं कम कर रहे हैं उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह है, उनको जवाब देना चाहिए। पूछे, आप कुछ पूछ रहे बंगाल को लेकर के पार्टी का रेजोल्यूशन भी हुआ है, अध्यक्ष जी का वक्तव्य भी हुआ है, पार्टी उस पर चलेगी।